अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमको एक बात नहीं समझ में आ रही है, आखिर ललिता जी लड्डू जी को मिश्रा जी बनाकर कहाँ हासिल करना चाहती है, वो काहे कर रही है ये सब? माँ, उस ललिता का इरादा साफ है, वो मिश्रा जी का बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है, और वो ये चाहती है कि कोई उन पे उंगली भी नहीं उठा पाए, इसलिए उन्होंने लड्डू प्रसाद को। नहीं बिल्कुल, ये सब तो वो लड्डू प्रसाद को मिश्रा जी बनाए बिना भी कर सकती है, और शांति निवास तो पहले ही उनके कब्जे में, अब तो उनसे कोई सवाल जवाब करने वाला भी नहीं रहा, क्योंकि हम में से कोई तो करने से रहा। हमें लगता है ना कि इस सब ड्रामे के पीछे ललिता बहुत बड़ा खेल खेलना चाहती है, या फिर खेल रही है। हम नहीं जानते कि इस बार वो कौन सा खेल खेल रही है, हम केवल इतना जानते कि जब तक हमारी टिया ठीक नहीं हो जाती है, इस घर में कोई ललिता जी का नाम तक नहीं लेगा। माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको भी कुछ बदलना होगा। जब भी टिया आपसे मिश्रा जी के बारे में पूछती है, आप उसका दिल रखने के लिए उसे उसे झूठा दिलासा दे देती है। बचपन से आप ही ने हमें सिखाया ना कि हमेशा सच बोलो, सच के लिए लड़ो भी, इसलिए जब भी आप ऐसा करती है हमारा दिल बहुत दुखता है। माँ, आज की ये खबर सुन के हम पे जो गुजर रही है ना, वो तो ठीक है, लेकिन एक बार आप दादी का भी सोचिए, उन्हें तो ये सब रोज देखना पड़ता है। माँ, उन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया है, और कि जिंदा मुर्दा इन सब का तमाशा उन्हें रोज देखना पड़ रहा है, पता नहीं कैसे ये सब सहती होंगी दादी। तुम लोग जो कुछ भी कह रहे हो हम सब समझ रहे हैं, हम जानते हैं अम्मा जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो असहनीय है, कुछ नहीं कर सकते हम। माँ, आप प्लीज इतना कमजोर मत बनिए। अच्छा ठीक है, हम टिया के सामने कोई भी बात नहीं आने देंगे। हाँ माँ, लेकिन जिस औरत की वजह से हम दादी से दूर हो गए, जिसकी साजिशों के कारण हमने मिश्रा जी को खो दिया, और जिसकी गलत नीयत की वजह से टिया आज इस हालत में है, उस औरत का सच तो दुनिया के सामने आना ही चाहिए, और हम ये सच सबके सामने लाकर ही रहेंगे। चाकू राकेश आइया मार सके ना कोई, मिश्रा जी कभी ऐसे बिहेव नहीं करते। हमने कहा था ना कि हम संभाल लेंगे, तो क्या हुआ, तुम्हारी जबान में खुजली हो रही थी क्या? अरे मैडम, आप काहे से गला फाड़ के ऊपर चिल्ला रही है? अरे आप प्रेम पूर्वक भी तो बोल सकती है ना। अरे मानते हैं कि हमको पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हमको कुछ भी बोलते रहेंगे और सुन लेंगे। जरूरत तो आपको हमारी भी है ना, और हमारा नाम है लड्डू प्रसाद बाल ब्रह्मचारी, गांव में हमारी बहुत इज्जत है, आप भी हमारी इज्जत रखिए। छेड़ा, अगर दो एक्स्ट्रा लाइन नहीं सुनना चाहते तो हरकतें मत क्या करो ऐसी। लकी, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस भाजी वाले के साथ हम मुंबई की 100 करोड़ की डील कैसे करेंगे। अगर इसके साथ रहे ना तो हम सबको सब्जी बेचनी पड़ेगी। कुछ ऐसा सोचो ताकि इसकी जबान बंद रहे और हमारा काम भी हो जाए। मॉम, अगर हमारी ये प्रेजेंटेशन हम लोगों की जगह शालू और विशेष दें तो? हमें ये कॉन्ट्रैक्ट काफी आसानी से मिल सकता है, क्योंकि जितना काम मैंने डैड के साथ किया है, मुझे लगता है उन दोनों का तरीका भी एकदम डैड जैसे ही है, और डैड भी हमके काम से काफी इंप्रेस थे। लेकिन वो लोग हमारी मदद क्यों करेंगे? क्यों करेंगे लकी? वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। अब मेरा क्या होगा? बुलबुल कहाँ पे है?
हाँ बुलबुल किसी काम से मार्केट गई है। अच्छा तुम टिया को अंदर ले जाओ और उसका ध्यान रखना, हम जल्दी आते काम करके। अंदर चलो 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 ठीक है। खबर तो तुमने देखी होगी ना रंजू मिश्रा, और तुम सोच रही होगी कि ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं। हमने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया ललिता मिश्रा। तुम भले हमारे बारे में सोचो या ना सोचो, लेकिन हम तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के बारे में जरूर सोचते हैं, और खास करके तुम्हारी छोटी बेटी टिया के बारे में, क्योंकि गुड्डू जी टिया के बहुत करीब थे और टिया भी गुड्डू जी को पापा बुलाती थी। जिंदगी भी कैसा खेल खेलती है ना रंजू मिश्रा। मिश्रा जी ने हम दोनों को दो राह पर खड़ा कर दिया है। तुम अपनी बेटियों के लिए सुहागन बनी घूमती हो, और मैं अपने दोनों बेटों के लिए, जबकि हम दोनों जानते हैं कि मिश्रा जी इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी हमें मिश्रा जी की जरूरत है। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, सीधे मुद्दे की बात करिए, हमारे पास बहुत काम है। ठीक है मुद्दे की बात करते हैं। टिया की जान बचाने के लिए तुम्हें लड्डू प्रसाद की जरूरत है ना? तुम जब तक चाहो लड्डू प्रसाद को अपने पास रख सकती हो मिश्रा जी बनाकर, और बदले में हमें क्या देना होगा? हमारे पास कोई पैसे वैसे ना ही है आप देने के लिए। हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों की जरूरत है। तुम ही कहती थी ना कि हमें हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर शालू और विशेष हमारी मदद करते हैं तो ये डील फाइनल हो जाएगी, और अगर ये डील फाइनल हो गई तो लकी विकी का फ्यूचर सेट हो जाएगा। हम मुंबई के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये डील फाइनल करने जा रहे हैं। अगर शालू विशेष ने हमारी मदद की तो लड्डू प्रसाद को तुम जब तक चाहो अपने पास रख सकती हो, जब तक टिया की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। हमें आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। शालू, कोई भी चीज ना करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। टिया तुम्हारी सबसे छोटी बहन है, और हम जानते हैं कि तुम सबकी जान उसमें बसती है। टिया को लड्डू प्रसाद की जरूरत है, और शालू विशेष तुम उसकी जरूरत को पूरी कर सकते हो। अगर तुम दोनों हमारे साथ मीटिंग में आए और ये डील फाइनल हो गई तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम मुजफ्फरपुर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। चॉइस इज योर्स। हमें आपकी शर्त मंजूर है, शालू और विशेष आपके साथ मीटिंग के लिए जाएंगे। कुछ सीखो अपनी माँ से, बहुत समझदार है। ये रही फाइल, इसे अच्छे से रीड करो और इसका प्रेजेंटेशन रेडी करो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जिससे हमारी मदद हो जाए।
आवास प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि लड्डू प्रसाद पिता शिव प्रसाद ग्राम फुलवरिया ब्लॉक सगोली जिला पूर्वी चंपारण बिहार के निवासी हैं। मुखिया ग्राम पंचायत फुलवरिया। गुड, अब हम इस प्रमाण पत्र की मदद से लड्डू प्रसाद का सच सबके सामने लाएंगे। ललिता मिश्रा, तुमने हम सबकी जिंदगी नरक बना दी है। तुमने माँ का जीना मुश्किल कर दिया, दादी को खून के आंसू रुलाए, दिया को मारने की कोशिश की, लेकिन अब हम तुम्हारी असलियत सबके सामने लाएंगे। दुनिया को बताएंगे कि कैसे एक औरत दौलत की लालच में अपने मरे हुए पति का तमाशा बनाकर उसका फायदा उठाती है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।